कांग्रेस में राहुल युग की शुरुआत। 19 साल बाद सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को सौंपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। राहुल गांधी को अध्यक्ष पद का सर्टिफिकेट सौंपा गया। मंच पर सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित किए गए इस समारोह में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को बधाई दी, कहा उनके साथ मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सोनिया गांधी ने कहा इंदिरा गांधी ने मुझे बेटी की तरह अपनाया, भारत की संस्कृति के बारे में समझाया। पुराने दिन याद कर भावुक हुई सोनिया, कहा जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई मुझे लगा मेरी मां मुझसे दूर चली गई। राजीव गांधी का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा राजीव की हत्या ने मेरी जिंदगी को बदल डाला। सोनिया गांधी ने कहा आज संवैधानिक मूल्यों पर हमला किया जा रहा है लेकिन हम झुकेंगे नहीं। सोनिया गांधी ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी को तोड़ा जा रहा है, पूरे देश में भय का माहौल है। सोनिया गांधी ने कहा राहुल मेरा बेटा है, तारीफ करना ठीक नहीं, हिंसा का अपार दुख झेला, उनकी सहनशीलता पर गर्व। राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार का भी जिक्र किया, कहा हम डरने वाले नहीं हैं। सोनिया का भाषण सुनकर राहुल गांधी भावुक। पटाखों की वजह से सोनिया गांधी को भाषण देने में दिक्कत आई, काफी देर तक नहीं बोल पाए। सोनिया गांधी की नाराजगी के बाद पटाखे बंद कराए गए। जनार्दन द्विवेदी ने भी मन से पटाखे न फोड़ने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले ही भाषण में बीजेपी पर निशाना साधा, कहा आज मूल्यों को कुचला जा रहा है, बीजेपी पूरे देश में हिंसा फैलाना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा वो देश को तोड़ना चाहते हैं, हम देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। राहुल गांधी ने कहा गुस्से वाली राजनीति से लड़ेंगे, कांग्रेस को हिंदुस्तान की ग्रैंड ओल्ड यंग पार्टी बनाएंगे। कांग्रेस मुख्यालय में हो रहे समारोह में सोनिया गांधी और राहुल साथ पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने दोनों का स्वागत किया। समारोह में राहुल की बहन प्रियंका वाड्रा भी पहुंची, साथ में उनके पति भी मौजूद। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम गीत गाकर की गई जिसे वहां मौजूद सभी ने गाया। कांग्रेस ऑफिस के बाहर समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हुजूम, लड्डू और जलेबी बांटी गई। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जश्न मनाते समर्थकों का अलग अंदाज, पारंपरिक लोकगीत पर नाचते गाते हुए लोग दिखाई दिए। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने पर केरल में भी दिखी खुशी, तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पंजाब के लुधियाना में भी जोश में दिखे कांग्रेस के कार्यकर्ता, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। राहुल गांधी के हमले पर शहनवाज हुसैन ने कहा नई जिम्मेदारी मिलने पर राहुल को अपनी पार्टी के बारे में बोलना चाहिए। बीजेपी नेता श्याम जाजू ने कहा जितना जश्न मनाना है मना लो, दो दिन बाद मौका नहीं मिलेगा। हार्दिक पटेल ने भी राहुल को शुभकामनाएं दी, कहा जिस परिवार के दो दो लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है वो देश के लिए अच्छा ही करेंगे। राहुल गांधी की ताजपोशी पर बोले अल्पेश ठाकुर, कहा राहुल प्यार की राजनीति करते हैं, गुजरात जीत कर उन्हें तोहफा देंगे। सुसेना ने राहुल को बधाई दी। मनीषा कायंदे ने कहा उम्मीद है कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा राहुल की सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दलों को एक करने की होगी। कोयला घोटाले में मधु कोड़ा को 3 साल की जेल और 25 लाख का जुर्माना, दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया। पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को भी 3 साल की जेल, 1 लाख रुपए जुर्माना। कोर्ट के फैसले पर बोले मधु कोड़ा, कहा दुखी हूं, जुर्माना भरने का पैसा नहीं है, मुझे फंसाया गया। ये मोदी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर मिजोरम के आइजोल में 60 मेगावाट पर बिजली परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा वाजपेयी सरकार ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, हमने इसे पूरा किया, ये हमारी प्रतिबद्धता है। आइजोल के बाद शिलांग पहुंचे पीएम, तुरा रोड का उद्घाटन किया, बीजेपी ऑफिस की शुरुआत भी होगी। पीएम मोदी ने कहा शिलांग में काफी दिनों से रुका हुआ था विकास, हमारी सरकार विकास के लिए समर्पित है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और अनंतनाग समेत कई जिलों में धारा 144 लागू, अलगाववादियों के प्रदर्शन के ऐलान के बाद फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के त्राल में जैश के आतंकी का शव मिला, बारूदी सुरंग फटने से मौत हुई। विजय दिवस पर रक्षा मंत्री और तीनों सेना के अध्यक्षों ने शहीदों को नमन किया, अमर जवान ज्योति पर 1971 युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। गुजरात के वड़गाम, विरमगाम, 10 करोई और सालवी में 6 पोलिंग बूथ पर फिर से वोटिंग होगी, कल वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुंगावली में शिवराज सिंह का रोड शो हुआ, मुंगावली को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान, आदिवासी के घर खाया खाना। कोटखाई गैंगरेप मर्डर केस में सुराग देने पर सीबीआई ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है, मामले में आईजी समेत कई अफसर गिरफ्तार हो चुके हैं। आज निर्भया गैंगरेप मामले की 5वीं बरसी है, मां ने कहा
आरोपी अभी भी जिंदा हैं, कानून में भरोसा बना रहे इसलिए सजा जल्द लागू। तलाक पर बने नए कानून पर एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए, कहा इस कानून से बिना तलाक दिए ही महिलाओं को छोड़ने के मामले बढ़ जाएंगे। दक्षिण मुंबई के झावेरी बाजार इलाके में इमारत का एक हिस्सा गिर गया, 5 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के तेज रफ्तार डंपर ने 2 कार और 1 बाइक को टक्कर मारी, 1 की हालत गंभीर, ड्राइवर हेल्पर फरार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद में गंगा पूजा किया, त्रिवेणी के दर्शन किए, सीएम योगी भी साथ मौजूद रहे। यूपी के फरुखाबाद में 8वीं क्लास के छात्र की थाने में बेरहमी से पिटाई की गई, जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत करने पर पीटने का आरोप। यूपी के वैशाली में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है, 1 ट्रक से 384 कार्टन बरामद किए गए हैं, ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के महोबा बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को रौंद दिया, हादसे में 10 लोग घायल हो गए, 4 की हालत गंभीर है, कार का ड्राइवर फरार। यूपी के मुरादाबाद में दहेज मांगने पर दुल्हन ने बारात लौटा दी, दूल्हा समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के कौशाम्बी में 22 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल सीज, 10,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। यूपी के झांसी में यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ छात्र का अपहरण, विरोध में छात्रों ने बंद का ऐलान किया। यूपी के मथुरा में खाद्य विभाग का मसाला फैक्ट्री पर छापा, मसालों में मिलाया जा रहा था रंग। यूपी के कानपुर में सब इंस्पेक्टर के घर से लाखों की चोरी, टीवी एसी सहित कई कीमती सामान चोरी हो। यूपी के कानपुर में 6 छात्र लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, नकली पुलिस वाले बनकर हाईवे पर मुसाफिरों को लूटते। पंजाब के बरनाला में अकाली नेता भगवान सिंह पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर, फायरिंग कर 4 बदमाश फरार। दुमका में सजायाफ्ता कैदी बबलू श्रीवास्तव मौत के मामले में परिवार वालों का प्रदर्शन, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। उड़ीसा के कोरापुत में सरकारी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, प्रेग्नेंट महिला ने परिसर में ही बच्ची को जन्म दिया। राजस्थान के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे पर बेकाबू बस ने जीप को टक्कर मार दी, हादसे में 10 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गेहूं से भरा ट्रक पलट गया, मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सीधी में शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला, पोस्टमार्टम के लिए बाइक से शव ले जाना पड़ा, डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत हुई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक गांव को आजादी के 70 साल बाद भी बिजली नहीं मिली है, ढोलक मंजीरे बजाकर रोशनी का स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, पुलिस वाले के एक रिश्तेदार को गाड़ी पार्किंग से रोका था। राजस्थान के भरतपुर में छात्र ने फांसी लगाकर जान दी, 10वीं का पेपर खराब होने से थी मानसिक तनाव। एमयू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परवेज खान ने की खुदकुशी की कोशिश, ब्लड से गर्दन और हाथ पर वार की। यूपी के बड़ौत में दर्जनों बदमाशों का एक मकान पर हमला, बंधक बनाकर लाखों रुपए के मवेशी लेकर फरार हो गए। महाराष्ट्र के अकोला में चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या, हत्यारों ने फोन करके बुलाया। महाराष्ट्र के पुणे में 23 साल की महिला से गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के पुणे में 5 दोस्तों ने एक युवक की हत्या की, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने एक गाड़ी से 25 राइफल, 15 पिस्टल और 3,000 जिंदा कारतूस बरामद की, 3 गिरफ्तार। पंजाब के बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवान ने साथी को गोली मारी, हालत गंभीर, बिजनौर का रहने वाला है, घायल जवान। एमबी के मुरैना में महिला से गैंगरेप मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में हाईकोर्ट का वकील भी शामिल है। एमबी के मुरैना में संदिग्ध हालत में एक महिला जल गई, ससुराल वालों पर जलाने का आरोप लगाया। यूपी के हापुड़ में 13 साल की नाबालिग का अपहरण, 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कश्मीर के कई जिलों में लगातार बर्फबारी, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फ जमने से लोग परेशान हैं। हिमाचल के चंबा में लगातार बर्फबारी जारी, पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। उत्तराखंड के औली में भारी बर्फबारी, सैलानियों की तादाद बढ़ रही है। केदारनाथ धाम में निर्माण का काम बाधित, भारी बर्फबारी की वजह से रुकावट। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने पर 1 जून से इंट्रा स्टेट ई वे बिल जरूरी, कुछ राज्यों में 1 फरवरी से शुरू होगा। तीसरे वनडे के लिए विशाखापट्टनम पहुंची भारत और श्रीलंका की टीमें, कल होगा मुकाबला। सीरीज के तीसरे वनडे के लिए श्रीलंकाई बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज फिट, मोहाली वनडे में मांसपेशियों में खिंचाव आया था। 17 दिसंबर को दिल्ली की ओर से रणजी ट्रॉफी फाइनल नहीं खेलेंगे ईशांत शर्मा, 27 दिसंबर को टीम इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका रवाना होंगे। हरियाणा के झज्जर में दुबई से जीत कर लौटे खिलाड़ी का जोरदार स्वागत, लॉन्ग जंप में गोल्ड, 100 मीटर दौड़ में सिल्वर पदक जीत कर लौटे आदित्य।
चीन ने 2022 विंटर ओलंपिक का लोगो जारी कर दिया है। बीजिंग में पहली बार विंटर ओलंपिक का आयोजन। गाजा और वेस्ट बैंक में हिंसक प्रदर्शन जारी। इजरायली सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग में 40 फिलिस्तीनी घायल। क्रिसमस के मौके पर ब्रिटेन के रेलवे विभाग ने चेतावनी जारी की है। शराब पीकर रेलवे ट्रैक से दूर रहने की हिदायत दी गई। संसद सदस्य अयोग्यता मामले में इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से भरी नामांकन पत्र में विदेशी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने का आरोप। और कोरिया पर अहम जानकारी साझा करेंगे ट्रंप और पुतिन। दोनों नेताओं की फोन पर सहमति हुई। नॉर्थ कोरिया मसले पर ट्रंप रूस की मदद चाहते हैं। रूस की मदद से नॉर्थ कोरिया के परमाणु प्रोग्राम बंद कराने की योजना। चीन के झेंगबाई में दिखी उल्का की बौछार। हर साल 4 से 17 दिसंबर के बीच दिखाई देता है यह शानदार नजारा। साउथ चाइना सी में बनावटी द्वीप बना रहा है चीन। नॉर्थ कोरिया की तरफ दुनिया का ध्यान होने का फायदा उठा रहा है। नीदरलैंड के एयरपोर्ट पर चाकू लहराते व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। संदिग्ध के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश। म्यांमार में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के 2 पत्रकार गिरफ्तार किए गए। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने रिहाई की मांग। बाल ठाकरे पर बन रही फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बाल ठाकरे की भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। 21 दिसंबर को ऐलान। एक मंच पर देखेंगे सुपरस्टार रजनीकांत और एआर रहमान। 23 दिसंबर को दिल्ली में कार्यक्रम। कैंसर पर फिल्म बनाएंगे अनुराग बासु। खुद भी ब्लड कैंसर से लड़कर मौत को मात दे चुके हैं।